नमस्कार, आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर नृपेंद्र वीर सिंह, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज आपसे मैं विद्यालय प्रबंध समिति विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार हेतु समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर यह प्रयास किया जाता रहा है कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता ली जा सके। समुदाय की सक्रिय सहभागिता किस लिए ली जाए, इसके लिए जानना आवश्यक है, या आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि समुदाय और शिक्षा या समाज एवं शिक्षा का अनुनाश्रित संबंध होता है। शिक्षा सदैव समाज को प्रभावित करती है और समाज सदैव शिक्षा को निर्धारित करता है। कहने का तात्पर्य, दोनों में किसी प्रकार के हुए परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से समाज पर भी कोई ना कोई इसका प्रभाव पड़ेगा, और समाज में भी कोई अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा में भी परिवर्तन आएगा। इस कारण ये माना गया कि समुदाय के लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता शिक्षा व्यवस्था में ली जा सके, और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, इन प्रयासों के प्रति मूल भावना यह थी कि समुदाय के सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सजग, जागरूक और प्रयासरत हों। अर्थात प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि उत्तरदायित्व माता पिता का होता है, लेकिन समाज का भी उत्तरदायित्व है और परिवार का भी उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सजग, जागरूक और प्रयासरत रहें। इसके लिए आवश्यक था कि विद्यालय विकास में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता हो, साथ ही साथ विद्यालय का स्वामित्व समुदाय में निहित हो। जब तक समुदाय में निहित नहीं होगा, तब तक समुदाय अपनी सक्रिय सहभागिता नहीं निभा सकेगा। इन्हीं सब कारणों से जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, सरकार का यह प्रयास था कि इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त सभी विद्यालयों में किया जाएगा। गैर अनुदानित विद्यालय से तात्पर्य यह है कि ऐसे विद्यालय जहां पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा रहा है, वहां पर इन समितियों के गठन का कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा। यद्यपि हो सकता है कि उन विद्यालयों में अपनी समितियां हों, क्योंकि प्रबंध समितियां बहुत लंबे समय से हमारे समाज से संबंधित रही हैं और समाज में जो भी शैक्षिक संस्थाएं संचालित होती रही हैं उनमें निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की प्रबंध समितियां रही हैं, लेकिन वह प्रबंध समितियां प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी रूप में इस 2000 अधिनियम के तहत ही अधिनियमित की गई हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण किया जाएगा, और विद्यालय प्रबंध समिति का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया, अर्थात इसकी जो अवधि होगी वह 2 वर्ष की निर्धारित की गई। अर्थात जो विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाएगी उसका कार्यकाल जो था वो 2 वर्ष का रहेगा, और इस समिति में कुल 15 सदस्य निर्धारित किए गए। चूँकि ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत कम लोगों की सहभागिता ली जा सकती है, जिसके कारण विद्यालय प्रबंध समिति में बनाई गई जिसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता ली जा सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के 15 सदस्यों में 11 सदस्य जो होंगे, लगभग 75% सदस्य जो हैं वो अभिभावकों में से ही चयनित किए जाएंगे। अभिभावकों से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उस विद्यालय में अध्ययनरत हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको ही अभिभावक की श्रेणी में रखा जाएगा, और उनमें से ही 11 सदस्य चयनित किए जाएंगे। इन 11 सदस्यों में, जिसमें एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का तथा 1 सदस्य कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावक में से होगा। लेकिन साथ ही समिति में यह भी सुझाव दिया गया कि कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। अर्थात
समिति में जितने भी सदस्य हों उन सदस्यों में लगभग 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 4 सदस्यों में से एक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा निर्वाचित या नामित किया जाएगा तथा एक नर्स एवं मिडवाइफ में से सदस्य के रूप में चयनित की जाएगी या नामित की जाएगी, जो कि अध्यापकों द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। अध्यापकों से तात्पर्य है विद्यालय में जो अध्यापक या शिक्षक हैं उनके द्वारा इसका नामांकन या नामित या चयनित किया जाएगा तथा एक सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र का लेखपाल होगा, अर्थात संबंधित क्षेत्र का जो लेखपाल होगा वो भी इस प्रबंध समिति का एक सदस्य होगा, जो कि जिला मजिस्ट्रेट अर्थात DM के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति से तात्पर्य यहाँ पर है कि उसको नामित किया जाएगा। एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अध्यापक होगा, जो कि इस प्रबंध समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। समिति में अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में किया जाएगा, अर्थात इसकी पूर्व सूचना ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में दे दी जाएगी, जिससे कि सभी लोग उस आम सभा में शामिल हो सकें। आम सभा में शामिल लोगों में से केवल वही व्यक्ति चयनित किए जाएंगे जिनके बच्चे ग्राम के विद्यालय में अध्ययनरत हैं। विद्यालय प्रबंध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु अभिभावक सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। समिति का गठन 31 जुलाई तक प्रत्येक विद्यालय में कर लिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव इस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है। सदस्यों के चयन हेतु आम सभा या आम सदस्यों की बैठक प्रधान अध्यापक द्वारा अर्थात प्रधानाचार्य द्वारा आहूत की जाएगी और इस आम सभा की बैठक का एक कोरम भी निर्धारित किया गया कि यदि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% सदस्य आम सभा में नहीं रहेंगे तो उस आम सभा द्वारा लिया गया निर्णय मान्य नहीं माना जाएगा। तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के चयन के लिए कम से कम 50% सदस्यों का होना आवश्यक है। सदस्य तात्पर्य है यहाँ अभिभावकों का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक सभी अभिभावक आम सभा में की बैठक में आहूत नहीं करेंगे तब तक अच्छे लोगों का चयन इस प्रबंध समिति में नहीं किया जा सकेगा, या जो रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं शिक्षा के प्रति या समर्पण रखने वाले या शिक्षा के लिए समय देने वाले व्यक्ति हैं उनकी चयन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए माना गया कि सभी को अवसर समान रूप में दिया जाना चाहिए। समिति के उद्देश्य। समिति का पहला उद्देश्य है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराना, अर्थात जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ये प्रावधान दिए गए हैं उनकी प्राप्ति विद्यालय में सुचारू रूप में हो, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो समिति द्वारा सुझाव दिया जाए जिससे कि उन कमियों को या जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार किया जा सके या कमियों को दूर किया जा सके। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति सुनिश्चित करना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के जो लक्ष्य हैं कि सभी का नामांकन ठहराव और सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किया जा सके, इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। अभिभावक एवं शिक्षक समुदाय के संबंधों को सशक्त बनाना, चूँकि जब तक अभिभावक और शिक्षकों में अच्छे संबंध नहीं होंगे, मधुर संबंध नहीं होंगे, तब तक आपसी अंतःक्रिया उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। चूँकि शिक्षक विद्यार्थी के क्रियाकलापों को अभिभावकों से अवगत कराते हैं और अभिभावक आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों को आवश्यकतानुरूप परामर्श देते हैं या पारिवारिक वातावरण से संबंधित किसी समस्या के होने पर सुझाव देते हैं। विद्यालय प्रबंधन में अभिभावकों व शिक्षकों की सहभागिता को सुदृढ़ करना। चूँकि मैंने अभी चर्चा की थी कि जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या अत्यंत कम होती है, किंतु विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो इसके माध्यम से अभिभावकों की या समुदाय की अधिक सहभागिता ली जा सकती है।
विद्यालय के क्रियाकलापों या क्रियाविधियों या क्रिया गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना, समुदाय के लोगों को विद्यालय के विकास के लिए दान एवं अनुदान देने के लिए प्रेरित करना, अर्थात ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग जो सक्षम हैं, विद्यालय में किसी प्रकार के संसाधनों के विकास के लिए धन की आवश्यकता है, तो समुदाय के लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वह विद्यालय के विकास के लिए या शिक्षा के विकास के लिए धन या अनुदान प्रदान करें, जिससे कि विद्यालय के संसाधनों की या शैक्षिक संसाधनों की जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति की जा सके। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य। इस समिति के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य निर्धारित किया गया, सरल एवं रचनात्मक तरीकों से अधिनियम में प्रतिपादित बच्चों के अधिकार एवं माता पिता, संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिनके बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वह विद्यालय संबंधित जो भी नियम हैं या सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाए गए हैं या जो स्कीमें लाई गई हैं उनके बारे में अवगत ही नहीं होते या उनको जानकारी ही नहीं होते। तो यह कर्तव्य समिति को दिया गया कि समिति का यह कर्तव्य है कि विद्यालय के आसपास या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को जो भी कार्यक्रम, नियम या स्कीमें हैं सरकार की शिक्षा के प्रति, उनसे अवगत कराना और जहां पर उनके कोई उत्तरदायित्व निर्धारित हैं उनसे भी उन्हें अवगत कराना। इस अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में यह उल्लिखित किया गया कि इसके समुचित क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक गण विद्यालय में नियमित उपस्थित हों एवं समयनिष्ठा बनाए रखें, अर्थात दैनिक रूप से समय पर पहुँचें और समयनिष्ठा बनाए रखें, अर्थात जो भी विद्यालय का समय निर्धारित है समय पर पहुँचें और समय पर ही विद्यालय से जाएं और सभी कालांशों में शिक्षण कार्य करें, संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठक करें और बच्चों की उपस्थिति, अधिगम की क्षमता, अधिगम में हुई प्रगति आदि की सूचना से अवगत कराना। चूँकि माना गया कि विद्यार्थी जो है कुछ ही समय 4 या 5 घंटे का समय ही एक विद्यालय में व्यतीत करता है, बाकी सारा समय अपना समाज या परिवार के साथ व्यतीत करता है, तो यदि बच्चे की अधिगम क्षमता में कोई सुधार नहीं आ पा रहा या किन्हीं कारणों से बच्चा शिक्षा में बहुत अधिक रुचि नहीं रख पा रहा, तो इन सारी चीज़ों के लिए परिवार के सदस्यों या माता पिता या अभिभावकों को अवगत कराना, जिससे कि वह लोग भी इस ओर ध्यान दे सकें कि बच्चे की शिक्षा में सुधार हो सके और बच्चे सुनिश्चित रूप से प्रत्येक दिवस में विद्यालय में उपस्थित हो सकें। विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण एवं विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना और उसकी संस्तुति करना। विद्यालय की जो भी कार्यप्रणाली या जो भी विकास योजनाएं हैं उनकी देखरेख का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का है। साथ ही साथ अगर किसी नई योजना की आवश्यकता है तो उनका निर्माण करने का उत्तरदायित्व भी विद्यालय प्रबंधन समिति का है और उसकी संस्तुति करना। अगला कार्य है यह सुनिश्चित करना कि अध्यापकों के ऊपर जनगणना, आपदा राहत एवं चुनाव के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए, अर्थात कई बार यह देखने को मिलता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के ऊपर सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य या ब्लॉक द्वारा अनेक प्रकार के कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह उत्तरदायित्व दिया गया विद्यालय प्रबंध समिति को कि वह सुनिश्चित करे यदि किसी प्रकार से कोई कार्य ब्लॉक के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा या अन्य किसी आदेश के द्वारा दिए जा रहे हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला अधिकारी को प्रबंध समिति के द्वारा अवगत कराया जाए कि कहीं ना कहीं इन कार्यों को करने से शिक्षण कार्य विद्यालय का प्रभावित होगा। चूँकि यदि शिक्षक गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार अधिक हो जाएगा उस पर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप में या सही प्रकार से नहीं कर सकेगा। तो यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता बताई गई कि यह उत्तरदायित्व समिति का है कि अधिक भार गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का शिक्षकों पर ना आने पाए। विद्यालय के आसपास के सभी बच्चों का नामांकन और उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित कराना। विद्यालय के आसपास यह ध्यान रखना
कि ग्राम सभा में ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं हैं। यदि नामांकित नहीं है तो उनके माता पिता को अवगत कराना, उनको प्रेरित करना कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी नामांकित हैं वह निरंतर उपस्थित विद्यालय में हो रहे हैं कि नहीं, यदि नहीं हो रहे हैं तो इनसे भी परिवार के सदस्यों या अभिभावकों या प्रबंधन समिति या ग्राम शिक्षा समिति को अवगत कराना, जिससे कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना, मतलब विद्यालय को जो भी धन सरकार के द्वारा, अनुदान के द्वारा या दान के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है, किसी भी रूप में जो अभिप्राप्तियाँ हो रही हैं और जो व्यय किया जा रहा है, उन सभी का अनुश्रवण करना, देखरेख करना, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना होने पाए। शैक्षिक आंकड़ों को संरक्षित करना, विद्यालय के संबंधित जो भी शैक्षिक आंकड़े हैं, जैसे कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, कितने विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया, किसी विद्यार्थी ने अगर शिक्षा को नहीं पूर्ण किया तो उनके लिए क्या कार्यक्रम अलग से लागू किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों का क्या उपलब्धि स्तर रहा, उपलब्धि स्तर किस प्रकार का रहा, उसमें किस प्रकार सुधार हुआ कि नहीं हुआ या उनमें वृद्धि हो रही कि नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखना शैक्षिक आंकड़ों के अंतर्गत, जिससे कि उनका भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। विशेष आवश्यकता वाले एवं अधिगम अक्षम बच्चों की पहचान, उनका विद्यालय में नामांकन और शिक्षा के लिए उनकी सुविधाओं एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको डिसेबल्ड चाइल्ड भी माना जाता है या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से युक्त कुछ बच्चे अगर हैं, तो उन बच्चों की पहचान करना और उनके अनुकूल शिक्षण की व्यवस्था विद्यालय परिधि में करना, क्योंकि निश्चित रूप से उनके लिए जो समान शिक्षा व्यवस्था विद्यालय में अपनाई जा रही वो इतनी लाभकारी नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए अलग से जो भी शिक्षा व्यवस्था का नियोजन किया जा सकता है उस विद्यालय के अंतर्गत, उसका सुनिश्चित करना कि उनके लिए भी सुविधाएं समान रूप में दी जाएं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना, जो मिड डे मील योजना विद्यालय में चलाई जा रही है उसका कार्यान्वयन सही रूप में हो रहा है, पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है कि नहीं, बच्चों के जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। साथ ही साथ स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, यह सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन या अध्यापन में ना लिप्त हो, अर्थात ऐसा ना हो कि वह अपने जो मूल शिक्षण कार्य से हटकर अपने व्यक्तिगत शिक्षण कार्य, जिससे कि वो अधिक धन उपार्जन कर सके, उन कार्यों में लिप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि कोई भी अध्यापक निजी ट्यूशन या अध्यापन में ना लिप्त हो। वित्तीय लेखों पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनको तैयार करके एक माह के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात विद्यालय के जो भी वित्तीय लेखा है उससे संबंधित जो भी अभिलेख हैं वह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव अर्थात प्रधानाचार्य या जो भी वरिष्ठ शिक्षक है उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो सके। साथ ही साथ उनकी जांच पड़ताल भी की जाएगी कि वो सुचारू रूप में या सही रूप में जो भी खर्चे व्यय किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, और उनको तैयार करके जो भी संबंधित प्राधिकारी है उनको उपलब्ध कराना, जिससे कि वह भी उनकी जाँच पड़ताल कर सकें। समिति विद्यालय के समस्त प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे विद्यालय भवन के निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चार दीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक आदि जो भी निर्माण के कार्य हैं या विद्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव से संबंधित हैं, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना इत्यादि जो भी संबंधित कार्य हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का है कि इस प्रकार से मॉनिटरिंग करें कि सभी चीज़ें सुचारू रूप में संचालित हो सकें। यदि विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्य एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं या नहीं समय दे पा रहे हैं, तो विद्यालय प्रबंध समिति इसके लिए अलग से उपसमिति का भी निर्माण कर सकती है। जैसे तीन या चार व्यक्तियों की उपसमिति बना दी जाए, वह कार्यों का निरीक्षण करें कि कार्य सुचारू रूप में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से
कम से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास की योजनाएं तैयार करेगी। यह विकास योजना 3 वर्ष के लिए होगी और इस विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए उप योजनाएँ भी बनाई जाएंगी। अर्थात जो भी एक दीर्घ अवधि की योजना बनाई जाएगी उस दीर्घ अवधि की योजना के साथ साथ 3 उप योजनाएँ भी बनाई जाएंगी, क्योंकि ऐसा इसमें निर्धारित किया गया है कि 3 वर्ष के लिए योजना बनाई जाएगी। तो उस 3 वर्ष की योजनाओं में प्रत्येक वर्ष के लिए जो भी लघु उप योजनाएँ होंगी उनको बनाया जाएगा, जिससे कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप में हो सके। विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से सरकार का ये प्रयास है कि समुदाय की अधिक से अधिक सहभागिता ली जा सके, साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जा सके और गांव के कार्यों में या ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम शिक्षा समिति को संचालित किया जा रहा है उसके कार्यों की भी जांच पड़ताल करना कि सुचारू रूप में शिक्षा संबंधित कार्य किए जा रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंध समिति का है और विद्यालय प्रबंध समिति यदि सामूहिक रूप में कोई कार्य नहीं कर सकती तो वह प्रत्येक कार्य या मद के अनुरूप अनेक उप समितियों का निर्माण भी कर सकती है। जैसे प्रत्येक कार्य के लिए वित्तीय, जैसे वित्तीय कार्यों के लिए अलग उप समिति का निर्माण कर दिया जाए, भवन निर्माण या खेलकूद की व्यवस्था के लिए अलग उप समितियों का निर्माण कर दिया जाए, इस तरीके की कई उप समितियों के माध्यम से वह अपने कार्यों का संपादन और एवं कार्यों की क्रियान्वयन की देखरेख भली भांति या अच्छी प्रकार से कर सकती हैं। विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष से जो कहा गया कि 3 माह पूर्व, क्योंकि जैसे वित्तीय वर्ष माना जाता है कि मार्च में समाप्त हो जाएगा, तो माना गया कि दिसंबर तक अपनी पूर्ण योजना का विकास कर ले, जिससे कि जो विकास योजनाओं को सही प्रकार से लागू किया जा सके। क्योंकि जब तक योजना सही रूप में नहीं बनेगी तब तक उसका क्रियान्वयन भी सही रूप में नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय की आवश्यकता के लिए जो भी, जैसे विद्यालय में अगर भवन का निर्माण कराना है तो यह ध्यान रखा जाए कि विद्यालय में भवन का निर्माण ऐसे समय न कराया जाए जिस समय शिक्षण कार्य सुचारू रूप में चल रहा हो, ऐसे समय कराया जाए जिस समय ग्रीष्म अवकाश हो या किसी कारणवश विद्यालय बंद हो, उसी अवधि में इस प्रकार के कार्यों को कराया जाए जिससे किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने की संभावना ना रह सके। विद्यालय प्रबंध समिति का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह विद्यालयों के जो भी शैक्षिक संसाधन के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए खेल कूद की व्यवस्था का भी प्रबंध करेगी। खेल कूद के लिए जो भी सामानों की आवश्यकता है या जो उसके लिए आवश्यक क्षेत्र की आवश्यकता है उसका विकास करें, साथ ही साथ किन अतिरिक्त समयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके जहां पर सभी की सहभागिता ली जा सके, क्योंकि ऐसा माना गया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चों की रुचियां ज़्यादा होती हैं, जैसे मेलों का आयोजन कराना या जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। धन्यवाद।